हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वाली वीडियो सरोजनी नगर मार्केट की है एंड वी विल सी कि यहाँ पर क्या क्या है विद द प्राइसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मेट्रो स्टेशन से सीधे आते हुए लेन है, दीज आर द शॉप्स। और ये पहली शॉप है, यहाँ पे इतनी क्यूट ड्रेसेस थी सिर्फ 250 की, और ये कॉटन की थी, और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। उसके बाद यहीं पर ऊपर ये पैंट्स लगे हुए थे और ये बहुत ही अच्छे थे, कॉटन के थे और इनका प्राइस 300 रुपीज़ था। और इसी शॉप पे बहुत क्यूट क्रॉप टॉप्स भी थे। नेक्स्ट ये आगे 150 की टी शर्ट्स मिल रही थी जो कि कॉटन की थी और एकदम फ्रेश थी, और काफ़ी प्रिंट्स भी थे इसमें और अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। मैंने भी 2 टी शर्ट्स ली थी यहाँ से। जिन लोग को लगता है ना कि सरोजनी में पुराना सामान सिर्फ मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक बार सरोजनी आना चाहिए और उसके बाद आप फ़ैन हो जाएंगे सरोजनी के, जस्ट लाइक एवरी गर्ल। आगे ये एक एथनिक वेयर की शॉप थी, यहाँ पे ये 270 के प्लाजो सेट मिल रहे थे जो कि काफ़ी वैरायटी थी। फिर हमने ये ब्रेक लिया अमेरिकन कॉर्न, ये एक और शॉप है। तो काफ़ी अलग अलग प्राइजेस के आपको ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो, एक्सप्लोर करो खूब, देखो कहाँ पे क्या प्राइस का क्या मिल रहा है। यहाँ पे 100 की टी शर्ट्स थी, 60 की स्पेगेटी मिल रही थी। लेन में आगे बढ़ते हुए ग्रेफिटी के जस्ट सामने ये बैग्स लगा के रखे थे भैया ने, और काफ़ी अच्छे बैग्स थे यहाँ पे। ये सब्यसाची का ड्यूप, और ये कुछ बड़े ट्रेंडी बैग्स थे जो कि सबके सब 250-350 ऐसे प्राइसेस पे थे। ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा बट मैंने नहीं लिया। और ये वाला नेक्स्ट, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये वाला बैग भी। तो वैरायटी तो बहुत मिलने वाली है आपको। फिर ये जस्ट ग्रेफिटी लेन के बगल वाली शॉप थी जहाँ पे 150 की टी शर्ट्स मिल रही थी। ये एक्चुअली यूनिसेक्स है, कोई भी पहन सकता है, मैंने भी इससे एक ली थी। और ये है ग्रेफिटी लेन जो कि खाली पड़ी है लॉकडाउन बाद से। फिर ये एक और टी शर्ट का स्टॉल था, ये 100 की टी शर्ट्स थी। तो वही मैंने कहा आपको बहुत अलग अलग प्राइस रेंजेस के मिल जाएंगे, यू हैव टू चूज़ व्हाट यू लाइक, एंड क्वालिटी भी ज़रूर देख लेना, एक बार चेक ज़रूर कर लेना अच्छे से तभी लेना। इसी के जस्ट बगल में ये शॉर्ट्स लगा के रखे थे और मैंने भी लिए यहाँ से, कॉटन के शॉर्ट्स थे और बहुत ही अच्छे थे, मैं हमेशा ही लेती हूँ ये, मैं घर पर पहनती हूँ। फिर जस्ट आगे बढ़ते हुए इस लेन में ये थी H&M की टी शर्ट्स मिल रही थी 200 रुपीज़ की, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब ये रियल थे कि नहीं पता नहीं बट क्वालिटी अच्छी थी। ये सनग्लासेस थे 100 रुपीज़ के, और ये अंदर बहुत वैरायटी है। ये फुटवेयर थी, इसमें भी बहुत ही सारी वैरायटीज़ हैं, साइजेज़ हैं, और काफ़ी अच्छी लग रही थी ये देखने में। नेक्स्ट हमने फिर से एक ब्रेक लिया और हमने छोले कुलचे खाए, क्योंकि आप थक जाते हो ना शॉपिंग करके, तो ब्रेक लेना तो बनता है। तो खा पी के हमने फिर से शॉपिंग शुरू कर दी, और यहाँ पे ये फिर से कुर्ता और प्लाजो का सेट मिल रहा था, और इसमें भी अगेन बहुत सारी वैरायटी थी, और ये 250 के थे, तो आपको उधर 270 और ये 250 के मिल रहे थे। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी थी और साइजेस भी मिल जाते हैं आराम से। नेक्स्ट अप ये शॉप थी, यहाँ पे ऊपर काफ़ी अच्छे टॉप्स लगे थे जो कि 200-250 के रेंज में थे, और ये पैजामे और लोअर थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।